लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में अभी माहौल गर्माया हुआ है। उससे भी ज्यादा अगर किसी बात की अगर चर्चा और आलोचना विपक्ष कर रहा है तो वो है पीएम मोदी द्वारा दिया गया वो बयान। लेकिन विपक्ष के बार बार चुनाव आयोग पर कार्रवाई करने को लेकर दबाव बनाने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने पीएम मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जाँच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। साथ ही पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस और CPIM ने चुनाव आयोग में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि पीएम मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन ले। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया। वहीं CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी एक पोस्ट में इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि इस शिकायत पर ध्यान दे और पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ एक्शन। उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज की जाने की भी मांग की थी। जिस बयान में पीएम मोदी को लेकर निशाना साधा जा रहा है, विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई करने की मांग कर रहा है और चुनाव आयोग ने भी जिस स्पीच पर जांच करने का ऐलान किया है, आइए सुनाते हैं आपको पीएम मोदी का वो बयान। देंगे और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.